बीच में जान जान की बाजी लग जाती है। पृथ्वी सिंह कहता है कि हमारे यहां पे पतिव्रता होती है, लेकिन शेर खान कहता है कि तुम्हारे यहां पतिव्रता नहीं होती, हमारे जो यहां होती है वो पतिव्रता होती है। आज मैं बताऊंगा तुम्हारे घर में पतिव्रता कैसी नहीं होती। प्रेमी सजना जान जान की बाजी लग जाती है। शेर खान उस पतिव्रता का सब दिखाने के लिए पृथ्वी सिंह के यहां पे आ जाता है और एक दूती से जाके कहता है, दूती तुझे जितना कुछ धन चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन वो जो सोमवती है उसका सब बिगाड़ना पड़ेगा, उसकी कुछ निशानी मुझे लाके दे दे ताकि मैं दुनिया के सामने ये प्रूफ कर सकूं, ये दुनिया को दिखा सकूं कि हिंदुओं के यहां पे पतिव्रता नहीं होता। जब उस किरणमयी का नाम सुना, उस सोमवती का नाम सुना प्रेमी सजनों, वो दूती एकदम से शेर खान का हाथ पकड़ लेती है और कहने लगी, अरे ओ शेर खान, भले ही मैं पैसे लेके तुमसे काम करती हूं लेकिन लेकिन मैं किसी पतिव्रता का सब बिगाड़ने के लिए कोई काम नहीं करूंगी। और तू तो उस पतिव्रता का जिक्र कर रहा है जिसका नाम लेने से ये धरती आसमान तक हिल जाता है। कैसे क्या कहती है पंडित जी ने, कैसे क्या लिखा आईगर रागड़ी के माध्यम से सुनेगा। रजपूता की रानी जिसका जिक्र कर रहा है ना, सोच समझ के कर। और तू प्रतिज्ञा का सत्य दिखाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन आज मैं तुझे बताती हूं कि प्रतिज्ञा के सत पे जिसने भी निगाह डाली उसका नाश होया है। पहली बात में पंडित जी ने एक एक शब्द सुनने लायक लिखे और क्या लिख दिया कवि ने, इंद्र की रानी
डालना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इंद्र और चंदा ने भी गौतम के घर पे, हाँ जी, कि उस गौतम के घर पे भी जारी करने की सोची, लेकिन जो प्रक्रिया पे निगाह डालेगा उसका कभी भला नहीं हो सकता। कैसे क्या कहती है मास्टर जी, आधा स्वर और बढ़ा लो,
फिर। अभी तो बताया था रागनी वालों को, रागनी गाने वालों को, कलाकारों को और नेताओं को ताली बहुत अच्छी लगती है। जितनी ताली बजाओगे उतना जोश उत्पन्न होगा। जोरदार ताली बजा दो और कहो तो आधा सुर और बढ़ा लियो। हाँ जी आधा और बढ़ा लो। बढ़ाऊं या नहीं बढ़ाऊं? नहीं, आपकी उंगली उठ रही है बस, और किसी की नहीं उठ रही। अच्छा जी आप ही हो लक्ष्मी चंदा दा। अच्छा जी आओ। देखिए कलाकार तो बहुत सारे हैं लेकिन साजिंदे वही हैं और सुबह से लेके अभी तक ऐसे की ऐसे बजा रहे हैं। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजा दो भाई, क्योंकि कलाकार कोई भी हो, गाने बजाने वाले तो बहुत सारे आ जाएंगे लेकिन संगीतकार अपनी मेहनत पे वैसे के वैसे डटे हुए हैं। और कैसे डटे हुए हैं मासी जी, आओ। पाट जा दबात रहना।